Children, today we will study poem of 5th class, Unit 8, Nobody's Friend. Let us see. Before we start, I would like please subscribe the channel and share to your friends. आइए देखते हैं. Do you like making friends? क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं? Do you like to share your things with others? क्या आप अपनी चीज़ें दूसरों को शेयर करना पसंद करते हैं? Do you think? क्या आप सोचते हैं? There is any child? कोई बच्चा है who has no friends? जिसका कोई दोस्त नहीं है. Read on. इसे पढ़ें. आइए देखते हैं. सी हैड सम स्वीट्स. उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी. दैट जिन्हें सी वुड नॉट शेयर. वह शेयर नहीं करती थी, यानी आपस में बांटती नहीं थी. सी हैड ए बुक. उसके पास एक पुस्तक थी. दैट सी वुडंट लैंड. जिसे वो किसी को उधार नहीं देती थी. जैसे दिखाने के लिए देते हैं ना, पढ़ने वगैरह के लिए. सी वुडंट लेट एनी वन प्ले विद हर डॉल. वह किसी को भी अपनी डॉल के साथ खेलने नहीं देती थी. सी इज नोबडीज फ्रेंड. वह किसी की भी दोस्त नहीं है. ये देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है सभी, तो आपके भी दोस्त होंगे जिनसे आप शेयर करते होंगे या नहीं करते होंगे चीजें. आइए देखते हैं. He had some toffee. उसके पास कुछ टॉफ़ी थी. And ate every bit. और उसने एक एक टॉफ़ी को खाया. He had a tricycle. उसके पास एक tricycle थी, जिसके तीन पहिया होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो tricycle होती है उनके पास. He wouldn't lend. वह किसी को भी नहीं देता था, मतलब उधार नहीं देता था, चलाने के लिए दिखाता नहीं था. He never let anyone play with his train. उसके पास एक टॉय ट्रेन थी, तो उस किसी को भी वह खेलने नहीं देता था उस ट्रेन के साथ. He is nobody's friend. वह किसी का भी दोस्त नहीं है. ये देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये टॉफी है, ये ट्राई साइकिल है, ये ट्रेन, टॉय ट्रेन. आइए अब आगे चलते हैं. बट लेकिन आई विल शेयर ऑल माई स्वीट्स विद यू. मैं अपनी सारी की सारी जो मिठाइयाँ आपके साथ शेयर करूँगी, बांटूँगी. ये बच्ची है, लड़की है, ये बोल रही है. ये इसके पास मिठाइयाँ हैं, एप्पल्स हैं, बुक्स हैं और एक डॉल है. माई बॉल. अपनी गेंद एंड माई बुक्स. और अपनी किताबें एंड माई गेम्स. और अपने गेम्स. आई विल लेंड. मैं सभी को उधार दूंगी, मतलब यूज करने के लिए. हियर इज हाफ माई एप्पल. और यह है मेरा आधा एप्पल. एंड हाफ माई केक. और मेरा आधा केक. आई एम योर फ्रेंड. मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. तो ये देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एप्पल है, बुक्स है, ये यहाँ पे केक है और ये डॉल वगैरह है, खिलौना टाइप, गेम टाइप. तो इस प्रकार ये बच्ची है जो, ये सबसे मिलजुल के रहने वाली बच्ची है. और वे दूसरे जो बच्चे हैं वे किसी को के फ्रेंड नहीं है, क्योंकि किसी को अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते. तो ये पोएम है एनिड बायटन के द्वारा लिखी गई है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से. चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.